गाइस मोबाइल फोन्स की दुनिया में ना इतना आगे निकल गए भैया, भर भर के फीचर्स पैक हो गए अपने मोबाइल फोन्स में, बट आज भी कई बार ऐसा होता है कि भैया जो फोन की बैटरी है ना वो धोखा दे जाती है, और अक्सर होता है क्रिटिकल मोमेंट्स पे कि बैटरी लो, अब क्या करोगे भैया, आप इंस्टेंट तो रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो बिकॉज मोबाइल फोन्स में वो ऑप्शन निकल गया है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको ना दो बातें बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि आपके फोन की जो बैटरी है वो एक अच्छी कंडीशन में रहे लंबे समय तक, ताकि आप यू नो ऐसा कोई बैटरी फटने का, बैटरी भूलने का, इन सब बातों का शिकार ना बन पाए। दूसरी बात आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स कि कैसे आपको मिल सकती है एक लंबी बेहतर बैटरी लाइफ या बैटरी बैकअप। तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और सारी टिप्स को जल्दी जल्दी फॉलो करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले ना बात कर लेते हैं बैटरी चार्जिंग हैबिट्स के बारे में। देखो आज की डेट में जो मॉडर्न बैटरीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं, तो हमको वो जो पुराना वाला फंडा था ना कि भैया बैटरी को पूरा 100% तक चार्ज करो और पूरा 0% तक ड्रेन करो, वो नहीं अप्लाई करना है। अभी के लिए जो करंट बैटरी हेल्थ है, अगर आपकी बैटरीज की बात करता हूँ तो वो बेस्ट रहती है अगर आप बैटरी का लेवल रखते हैं 20-80% के बीच में। यानी कि कभी भी ऐसा मत होने दो फ्रीक्वेंटली कि आपके फोन की जो बैटरी है वो 20% के नीचे जा रही है बार बार, जैसे आपको लगता है आप चार्ज में लगा लो। और अगर आप फुल चार्ज ना करो, अगर उसको आप 80% तक रखोगे तो ये आपको बेस्ट बैटरी हेल्थ देगी। बेसिकली इतना सोचो मत, जब जहां मौका मिल रहा है चार्ज कर लो। 30% में था, चार्ज किया 50 हो गया, निकाल लिया, यूज किया 40 पे आ गया चार्ज के साथ। मतलब यू नो कीप एक रैंडम शेड्यूल ताकि आपकी फोन की जो बैटरी है वो एक अच्छी हेल्थ में रहे। इसी के साथ अगला पॉइंट निकल के आता है कि बैटरी को ओवर चार्ज ज्यादा मत कर दो। मतलब देखो प्रोटेक्शन होती है मोबाइल फोन में सब तरह की, बट स्टिल आप अगर रात में चार्ज में लाके सोते हो सुबह तक तो इट्स फाइन, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी। बट कई बार लोग एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए भी मोबाइल फोन्स को चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ फ्रीक्वेंटली करना, बार बार करना, आई डोंट थिंक कि है मतलब नो एक अच्छा आपकी बैटरी को एक हेल्थ प्रोवाइड कर पाएगा। और इसी के साथ आज की डेट में मोबाइल फोन्स में भैया कुछ को छोड़ दे अगर, तो आपको लगभग चारों तरफ फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। मतलब पता नहीं कितने कितने वॉट्स की भी, तो 210 वॉट की भी हम बात कर रहे हैं। बैटरी हेल्थ के लिए ना ये चीज़ें प्रैक्टिकली बोलूँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बेसिकली यूज़ करने की कोशिश करो एक स्लो चार्जर, अगर आप कर सकते हो एटलीस्ट अपने घर पे। जब आपको पता है कि आपको रात को चार्ज में लगाना है और आपको सुबह उठ के उसको यूज़ करना है, तो अगर आप एक स्टैंडर्ड यू नो 18 वॉट का चार्जर भी यूज़ करते हो तो वो आपको सुबह तक बैटरी चार्ज करके दे देगा, और लॉन्ग रन में बैटरी हेल्थ के लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। अगला पॉइंट अगर आपसे बात करूँ तो चार्जर से जुड़ा हुआ ही है कि रैंडम कोई भी चार्जर, कोई भी केबल ऐसे उठा के यूज़ मत करो। बेसिकली या तो वो एक ऑफिशियल चार्जर हो जो यू नो उसी ब्रांड का है जिसका आप फ़ोन यूज़ करते हैं, जो कंपैटिबल है उस फ़ोन के साथ में, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी कंपनी भी है तो इट शुड बी अ रेप्यूटेड ब्रांड। आप ऐसे ही रैंडम कोई चार्जर मत उठाओ भाई, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या क्वालिटी कंट्रोल उसके अंदर हुआ हुआ है, वो किस टाइप की वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा है आपकी बैटरी को। और एट द एंड यू नो मामला बैटरी हेल्थ का है कि हो सकता है आपकी बैटरी डिग्रेड हो रही है, आपको सेफ्टी का भी कंसर्न हो सकता है, तो डोंट जस्ट यूज यू नो एनी रैंडम चार्जर। इसी के साथ मतलब आपको एक और बात का ध्यान रखना है भाई, और वो है टेम्परेचर का। जब भी आपने फोन को चार्ज करते हैं तो ये ध्यान रखो कि यार कहीं वो एक एक्सट्रीम सिनेरियो तो नहीं है कि मतलब 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही है, आपने फोन को ऐसे चार्ज में लगा रखा है भैया और लंबे समय तक आप उसको एक्सट्रीम हैवी यूज में भी यूज कर रहे हैं यू नो चार्जिंग के समय। तो ये सारे जो एनवायरमेंट्स हैं आपको कहने के ध्यान रखने की यार जो बैटरी है उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, यू नो नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, या चार्ज करते समय उसको एक्सट्रीम यूज मत करो। अगर आपको एक अच्छी बैटरी हेल्थ रखनी है तो मतलब वो वाली मिथ मत जाना कि भैया जब चार्ज आए तो फोन मत उठाओ वरना ये हो जाएगा, सीधे कान से उठाओ उल्टे हाथ से, वो सब बकवास है। बट स्टिल अगर आप एक हैवी यू नो गेम खेल रहे हैं, कुछ आप हैवी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं और फोन आपको साथ साथ चार्ज भी हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो भी जो है काफी हाई है, तो बेसिकली ये सभी चीजें मिलकर बैटरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। इसी के अलावा एक और चीज वो ये कि टाइम टाइम पे देखो कि जो आपका चार्जिंग पोर्ट है कहीं वो तो यू नो कोई कचरा लेके नहीं बैठा है। हम पॉकेट्स में फोन को रखते हैं, जो लिंट है वो कई बार यू नो एक्युमुलेट हो जाती है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। बिकॉज अगेन अगर कॉन्टैक्ट सही नहीं होगा तो यू नेवर नो कि क्या जो है वो करंट वोल्टेजेस किस तरीके से कैसे पास हो रही है, कितना वो एफिशिएंटली चार्ज हो भी पा रहा है नहीं हो पा रहा, कहीं वो फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है उसके अंदर। बैटरी हेल्थ के लिए बेसिकली इन सब बातों का एक साथ आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और अगर आप इन सबको यू नो काम में
लेते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं तो आई कैन गारंटी कि यार आपकी जो बैटरी है जो नॉर्मल आज के फोन से मिलती है हमको, 2-3 साल तो कहीं नहीं गई। मतलब 3 साल तक तो आप आराम से अच्छा बैकअप ले पाएंगे अच्छी बैटरी हेल्थ के साथ में, और तब तक टाइम हो जाएगा फ़ोन को चेंज करने का। अब हम बात करते हैं इन जनरल बैटरी लाइफ के बारे में कि भाई आपने ये सब कर लिया बट स्टिल आपको चाहिए वो फ़ोन की बैटरी जो शाम तक रात तक नो साथ निभाए आपका। उसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक टिप्स हैं। बहुत लोगों को आदत ही होती है कि जब वो फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना बीच बीच में रैंडमली भैया वो सारी ऐप्स को स्वाइप करेंगे, ऊपर 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 क्लोज करेंगे, दाएँ बाएँ करेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करो। आपका फ़ोन जो है वो ऑलरेडी स्मार्ट है, इट्स अ स्मार्टफोन। उसको पता है कौन सी ऐप को बैकग्राउंड में रखना है, नहीं रखना है, कैसे मैनेज करना है। लेट इट डू इट्स जॉब ऑन इट्स ओन। अगर आप बीच में पढ़ोगे भैया आपने ऐप्स को क्लोज किया टाइम पास के लिए, फिर दोबारा आपने उस ऐप को ओपन किया है तो दोबारा उसने पूरी प्रोसेस लगाई है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप फ़ोन को ही जो है वो ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो आपकी बैटरी लंबी नहीं चलने वाली है। अगर आपके फ़ोन में एक AMOLED या OLED स्क्रीन है तो कोशिश करो अगर आप एक डार्क मोड को यूज़ कर सकते हो तो, बिकॉज वहाँ से भी जो बैटरी है वो आप काफी बचा पाओगे। इसके अलावा किसी बैटरी सेवर, किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज मत करो। अगर बैटरी सेवर यूज करना है तो मोबाइल फोन के अंदर जो इनबिल्ट ऑप्शंस हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्क्रीन की तो आजकल बहुत ही हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज हो गए हैं। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा और लंबा बैकअप तो आप ऐसे में एक स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट को सेट कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी एक्सटेंडेड बैटरी मिल जाए। सेम गोज फॉर रेजोल्यूशन कि आप अगर फोन क्वाड HD वाला यूज करते हैं तो आप चाहे अगर फुल HD रखेंगे तो कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। अब इस डिस्प्ले में ही ना, मतलब आपको एक और चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, वो है डिस्प्ले की ब्राइटनेस। तो कई बार ऐसा होता है कि फोन में जो ऑटो ब्राइटनेस मोड है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, काफी अच्छे से कैलिब्रेटेड होता है, तो आपको जितना स्क्रीन ब्राइट चाहिए उतना आपको मिल जाता है। कुछ केसेस में ये चीजें सही से कैलिब्रेटेड नहीं होती हैं, मतलब यू नो इट्स समटाइम्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइट आपको मिलता है ऑटो ब्राइटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मैनुअली भी उस स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको स्क्रीन ब्राइट चाहिए, बिकॉज वो भी बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सकता है। तो बेसिकली कुछ कुछ बातें हैं, बाकी जो वाईफाई ब्लूटूथ बंद करने के लिए बोलते हैं वो ज्यादा कुछ फर्क, मतलब आज के में सारे एफिशिएंट प्रोसेसर्स हैं हमारे पास में तो मोडेम्स काफी अच्छे हो गए हैं, मतलब इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। लोग बोलते हैं एयरप्लेन मोड में लगा के फोन को चार्ज करो फास्ट चार्ज हो जाएगा, वो सब भी मतलब इट्स लाइक %0.5% का आपको फर्क मिलेगा, तो वो सब बातों को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल ये कुछ हैबिट्स हैं। और एक और सबसे बड़ी हैबिट, मोबाइल फोन्स को ज्यादा यूज मत करो क्योंकि इसके अलग अलग फायदे हैं भाई। देखो, एक तो हमारी यू नो जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए अच्छा है, जो हम एक डिजिटल और यू नो लाइक रियल लाइफ के बीच में एक बैलेंस चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। अगर यूज़ थोड़ा सा कम करोगे तो जो बैटरी आपने सुबह 100% में चार्ज करके निकाली है वो शाम तक ज़्यादा चलेगी, और जब सही मौका आएगा यूज़ करने का, जब किसी का नंबर लेना है, कोई फोटो क्लिक करनी है, तो उस टाइम पे लो बैटरी की वजह से आपको परेशानी नहीं आएगी। कई बार शाम बाहर रहते थे, प्लान बन गया बाहर निकलने का, तो आपको उस टाइम पे ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे मेरे फोन की बैटरी 15% है, ये तो 2 घंटे में बंद हो जाएगा। तो आई थिंक यार ये कुछ बातें हैं, अगर आप इन सब का ध्यान रखते हैं तो बैटरी हेल्थ को अच्छा मेंटेन कर पाएंगे और एक लंबा बैटरी बैकअप भी ले पाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई सा भी फोन यूज करते हैं। आप बताएं वैसे कि आपके पास में कोई और टिप है क्या, या आप इनमें से कुछ फॉलो करते हैं। नीचे कमेंट करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।